नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। CIA 1 की टीम ने 13 साल बाद 5000 का इनामी भगोड़ा गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 13 साल पहले अपनी ही कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या की थी। उसके बाद से लगातार आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी को भगोड़ा घोषित किया हुआ था और साथ ही इस पर 5000 का इनाम भी रखा हुआ था। आरोपी को CIA 1 की टीम ने शादीपुर रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि हत्या का आरोपी शादीपुर के पास घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, रणधीर सिंह वमल की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसकी पहचान बिहार के जिला पूर्णिया गांव सिसवा निवासी राजेश उर्फ राजू के रूप में हुई। आरोपी ने 13 साल पहले की हत्या के मामले का खुलासा किया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 13 जून 2009 को आरोपी अपने साथी राम यादव के साथ बिलासपुर सढौरा रोड पर सीमेंट के पाइप बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। आरोपी ने राम यादव के साथ बैठकर शराब पी और इसके बाद इनका झगड़ा हो गया। आरोपी ने सोते हुए राम यादव के मुंह पर लकड़ी की फटी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी राजू मौके से फरार हो गया। इस दौरान आरोपी भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया और उसके ऊपर 5000 का इनाम भी रखा गया। 13 साल बाद CIA की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। सन 2009 की घटना है। ये एक BSK पाइप की फैक्ट्री थी, जो सीमेंट के पाइप वहाँ बनते थे। तो वहाँ पे ये जो हमने पकड़ा है लड़का राजेश रूफ राजू, ये वहाँ पे लेबर का काम करता था उसमें। और जो मृतक है राम यादव, ये वहाँ पे इंजीनियर था। तो इनकी शाम को किसी बात पे लेके वहाँ पे इनकी बहस हो गई थी और इसने उसको रात को कहा था कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो रात के समय जब ये सो रहे थे तो इसने फिर सुबह 4 बजे आके और उन दो आदमियों को इसने उन पे वार किया सोते हुए पे। एक अरविंद ठेकेदार था और एक ये राम यादव था। तो जिसमें दोनों इंजर्ड हो गए थे और दोनों PGI में एडमिट हो गए थे। तो इनमें से एक की मौत हो गई थी। उसके बाद ये पर्चा दर्ज हो गया था 13/6 को, जिसमें तब से ये वहाँ से फरार था। और तो काफ़ी लाख कोशिशों करने के बाद भी ये काबू नहीं आ रहा था, क्योंकि बिहार का रहने वाला था और ये जगह अलग अलग चेंज करके रहने लग गया। तो अब मेरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, हमने काफ़ी समय हो गया, 14 साल हो गए लगभग। 13/6/2019 का ये पर्चा दर्ज FIR है और 11/6/2009 की ये घटना है। और तब से ये PO डिक्लेयर हो गया था। PO डिक्लेयर होने के बाद पुलिस PO था। अभी तक ये बड़ा साथी था, तो अलग अलग जगह पर रह रहा था, कभी छोड़ के जगह। तो पुलिस ने काफ़ी मेहनत करी इसमें और कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।